ए, वो मूवी देखी है? रहने यार, मूवी का नाम मत ले। देखिए 2010 में आई थी अमेरिकन मूवी है भाई साहब। उस मूवी को देख लोगे ना तो गोंडोला में केबल कार या उड़न खटोला जो भी है इसमें बैठने से पहले आप दो बार सोचोगे। उसमें भी ऐसी हुआ था, बीच में रुका था। चुप रहा भाई, भाई साहब। तो भाई जी, कश्मीर को यूं ही जन्नत नहीं कहा जाता। आप देखिए यहाँ का नज़ारा। सांस इसीलिए चढ़ रही है क्योंकि ये काफ़ी हाइट पर है। तो आप बिल्कुल मज़े से आइए, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अपना पड़ोसी, नालायक पड़ोसी, आप समझ गए होंगे मैं किसको कह रहा हूँ। पाकिस्तान भाई, तो वहाँ पर LOC है। देखिए गोंडोला से कहाँ जाना होता है, वहाँ पता नहीं मोबाइल में दिख पा रहा होगा या नहीं, वो जो टावर बना है वहाँ जाना होता है। अगर आप फेज़ टू का टिकट लेते हैं तो मतलब यहाँ से शुरू होता है, यहाँ तो नीचे शुरू होता है, यहाँ तो फेज़ वन, फिर आ गया फेज़ टू। तो अब आप लगाइए, इतनी दूर से मैं खड़ा होकर बना रहा हूँ तो बिल्कुल पहाड़ की चोटी पर एक टावर बना है, वहाँ पर आपको जाना होता है। थोड़ा जूम करके देखते हैं। ओ भाई, क्लियरिटी इतनी खास नहीं आ रही। जूम करके थोड़ा बैक करते हैं, मतलब आप समझ जाइए कि बहुत ऊंचाई पर ले जाता है, पूरा पहाड़ दिखाता है आपको। यहाँ से शुरू होता है और वहाँ तक जाता है। तो कितनी देर में शुरू होगी रेस? हाँ, वो बीच में रोक दी वो। तो कितनी देर में हो रही शुरू रेस? ऊपर में भी मिलेगी सर? हाँ सर, ऊपर में मिलेगी, हमें पता है। वो दिन को पता है यार। इतना धुआं क्यों दे रहा है? अच्छा, नया है। भाई जी, आप कोई और देख लीजिए, हमारे साथ आपको टाइम खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको और भी बंदे मिल जाएंगे, आप उनको अपना पैकेज दे दीजिए। हर एक चीज में आपको सुनो, हर एक चीज में एंजॉय करवाएगा। नहीं सर, आपका लॉस नहीं होगा सर। हमने कल सब कुछ कंप्लीट कर लिया, हमारा आज बचा गोंडोला, वो हम कर लेंगे। आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, गोंडोला में ले चलो सर। आप देखो, नहीं ले जाना चाहते आप, प्लीज आप समझने की कोशिश करो यार। आप अपना क्यों टाइम खराब करो प्लीज। बना रहा है हमारा साथ, आप हमारा भी सुबह भूमि है सर, आप ही बोलो। नहीं अरे सर, कर लो ना, तो बहुत टाइम हो गया, पूरा दिन बड़ा आपको हमारा टाइम है। हम बिल्कुल मान रहे हैं आपकी बुनी है, लेकिन आपकी बुनी आप हमारे पर खराब क्यों कर रहे हैं? आपसे कम ही लेगा। हाँ, आपसे कम ही लेगा सर। नहीं सर, देखो अरे सर हमने सब कुछ एडवेंचर कल कर लिए, गोंडोला है वो हम आज कर लेंगे। फोटोग्राफी सर हमने कल कैमरामैन किया था स्पेशल, वीडियो बना रहा है हमारा। आप जब जा ही नहीं रहे तो क्या करें भाई, कैमरे से तो अच्छे अच्छे चले। आप देखो इतने पैसा से आप गरीब नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं सर, गरीब और अमीर की बात नहीं है, जब हमने सब कुछ कर लिया पहले से ही, तो बताइए अब दोबारा हम क्यों करना चाहेंगे उसको? एक्टिविटीज नहीं करवाएगा? हम गरीब ही समझ लो यार भाई साहब, हमारे पैसे समस्या हो गए ना, कल हम ऑलरेडी उठ चुके हैं। कल आप यकीन नहीं मानोगे, हमें बहुत तगड़ा नुकसान हुआ, वो भी भाईचारे के चक्कर में। 200 नहीं, देखो भाईचारे के चक्कर में कल हमें बहुत तगड़ा नुकसान हुआ, कम से कम मान के चलो आप
8,000 का नुकसान हुआ है। नहीं सर, थैंक यू सर। नहीं सर, सब है हमारे पास। तो भाई साहब, ये है जम्मू कश्मीर का गोंडोला, हम कहते हैं देसी भाषा में उड़न खटोला, इंग्लिश में कहते हैं केवल कार। तो जो भी आपको अच्छा लगे वो कह दीजिए और झट से इसमें बैठ जाइए, क्योंकि अगर गुलमर्ग आ रहे हैं इसमें नहीं बैठे तो भाई साहब गुलमर्ग आना ही बेकार है। वो देखिए, वो है फेज़ वन, वहाँ से फेज़ वन होगा, टू का पता नहीं, स्नोफॉल के कारण वो चालू है या नहीं चालू है, गर्मियों में तो होता है। ये यहाँ पर कुछ चार पहियों की, क्या बोलते हैं इनको, ATV बाइक, ATV बाइक, स्नो स्कूटर अलग हो ना, स्नो स्कूटर वाला ऊपर निकलता है। अच्छा, वो तो ऊपर ही घूमेगा। क्यों है ना, वीडियो है ना, एक रखो साथ। नहीं, हमें नहीं, ऊपर में घुमा है, फ्री आएगा कोई नहीं, थैंक यू सर, फ्री आएगा कोई नहीं आएगा, फ्री नहीं, हमें नहीं चाहिए ना, चार 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 नौ मिनट में क्या देखोगे। टिकट विकट पूछिए, कुछ कहाँ मिल रहा, अभी सुनी वो किस टाइम होगा, टिकट नहीं इशू है, टिकट थोड़ी देर में इशू होगा। कहाँ से मिलता है, अंदर ही से मिलेगा, अभी एंट्री नहीं है, अभी एंट्री नहीं है। हाँ, भले आप हमारे साथ गोंडोलो में चलाओ अपने पैसों से। गोंडोलो के होते हैं भाई साहब तीन फेज, तीनों खुलते हैं, तीन नहीं दरअसल दो फेज हैं, एक फेज अगर मानो तो चेयर लिफ्ट कार मान सकते हो उसको, वैसे दो ही फेज हैं। देखो आपको बहुत मिल जाएंगे टूरिस्ट, आप उन पर ट्राई कर सकते हैं, ठीक है सर। तो यहाँ से मिलता है गोंडोला का टिकट, फर्स्ट फेज के लिए है 740 रुपये, सेकेंड फेज के लिए कितना, सेकेंड फेज के लिए है 950 रुपये, और जो चेयर लिफ्ट कार है उसका भी मेरे हिसाब से उसका नहीं है। हाँ बिल्कुल, टिकट कहाँ से मिलते हैं, सेकंड फेज कहाँ मिल गया, ठीक है तो वहीं से ले लेंगे। यहाँ से मिलता है टिकट फर्स्ट फेज के लिए 740, सेकेंड अभी बंद है क्योंकि बर्फबारी है। तो मित्रों, हमने ले लिया है टिकट गोंडोला फेज़ वन का, फेज़ टू का मिलेगा वहीं, जब जहाँ फेज़ वन ख़त्म होगा वहीं फेज़ टू शुरू होगा। ये फेज़ वन है, ये टिकट है 740 रुपये का। Thank you.
ये है गोंडोला। نترجع فياض الأطلون برا تو بناتا رہا وہ ویڈیو کر لیں گے ٹینشن نہ لیں ویڈیو کی چلیں سر چار پانچ چھ نہیں دو ہی تو جائے گا آئیے بھائی جان تین بیٹھیں گے چار تو کٹ جاتے ہیں لوگ تو بھائی جی ہم بیٹھ چکے ہیں گونڈولا گلمرگ میں آئے اور گونڈولا نہ گھومے تو بیکار ہے فرسٹ فیز کا ٹکٹ ہے 740 روپے اور جو سیکنڈ فیز کا ہے وہ وہاں سے ملے گا جہاں سے یہ فرسٹ فیز ختم ہوگا تو آپ آئیے اور مزے سے گھومیے जज बहुत मजा आ रहा है इसमें अभी तो आप देखिए थोड़ा सा डर भी लग रहा है क्योंकि मुझे पहली बार इसमें चढ़ना है पता नहीं कैसे चलता है आई होप वी विल एंजॉय अच्छा देखिए गोंडोला के बारे में एक बात बताता हूँ मैं ए वो मूवी देखी है रहने यार मूवी का नाम मत ले देखिए अगर आपने एक मूवी नहीं देखी ना ये जो हम जिसमें हम बैठे हैं गोंडोला में तो एक मूवी देखिएगा फ्रोजन के नाम से 2010 में आई थी अमेरिकन मूवी है भाई साहब उस मूवी को देख लोगे ना तो गोंडोला में केबल कार या उड़न खटोला जो भी है इसमें बैठने से पहले आप दो बार सोचोगे आपके फ्रेंड लोग ही होंगे सब हैं मेरे फ्रेंड्स नीचे वो नहीं आया अरे वाह इसलिए मैं जन्नत यूं ही नहीं बोलते इसको हैं ए भाई अली यार जन्नत यूं ही नहीं बोलते मार आओ तो सीधा गुंडोला और कहीं जाओ मत ना ये जगह है तो भाई जी कश्मीर को यूं ही जन्नत नहीं कहा जाता आप देखिए यहाँ का नज़ारा सांस इसीलिए चढ़ रही है क्योंकि ये काफ़ी हाइट पर है तो आप बिल्कुल मज़े से आइए कोई घबराने वाली बात नहीं है देखिए भाई साहब बर्फ़ हमने बहुत देखी है लेकिन एक इच्छा थी कि बर्फ़ का रेगिस्तान देखें जहाँ चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ हो उसके अलावा धरती तक ना चमके तो हमारी ये इच्छा पूरी हुई है यहाँ कश्मीर में आके ये है गुलमर्ग श्रीनगर से लगभग 80 किलोमीटर दूर है गुलमर्ग यहाँ आप देख सकते हैं चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ रेगिस्तान बर्फ़ का तो बर्फ़ का रेगिस्तान देखने की इच्छा हमारी यहाँ पूरी हो गई है आप देख सकते हैं ये चल रहा है गोंडोला इसके दो फेज़ होते हैं फेज़ वन और फेज़ टू फेज़ वन का किराया 740 है और सेकंड का है लगभग 950 रुपये वो आप देख रहे होंगे वो है सेकंड पता नहीं मेरे मुँह पर सूरज की लाइट पड़ रही है आप देख पा रहे होंगे या नहीं मुझे तो मोबाइल में कुछ नहीं दिख रहा तो वो फेज़ टू है 950 रुपये उसका किराया है दरअसल वो यूज़ किया जाता है ज़्यादातर
गर्मियों के समय, क्योंकि गर्मियों में जब नीचे बर्फ़ पिघल जाती है तो लोग भाग जाते हैं ऊपर बर्फ़ देखने। अगर आप फेज़ टू में जाते हैं ना, तो वहाँ पर अपना पड़ोसी, नालायक पड़ोसी, आप समझ गए होंगे मैं किस किस को कह रहा हूँ, पाकिस्तान भाई, तो वहाँ पर LOC है। गुलमर्ग का ये गोंडोला ऊंचाई और लंबाई के मामले में एशिया में पहले नंबर पर है और दुनिया में आता है दूसरे नंबर पर। फेज़ 1 और 2 दोनों की बात करें तो ये करीब 5 किलोमीटर लंबा है। इसका डिज़ाइन भारत सरकार और एक फ्रेंच कंपनी पोमागासी या कहें कि पोमागालास्को ने मिलकर बनाया है। इसे बनाने की कीमत आई थी करीब 11,000 करोड़ रुपये। ये जो होता है ना केबल कार रोपवे या गोंडोला, इसका केबिन, इसमें हम बैठ सकते हैं एक बार में 6, और ये जो केबिन चलते हैं तारों पर इनकी कुल संख्या है 36, मतलब 36। और आपको जो टावर मिलेंगे ना फेज़ 1 से फेज़ 2 तक जाने के लिए, वो है टोटल मिलाकर 18 टावर। अब हम बात कर लेते हैं फेज़ 1 की। फेज़ 1 की बात करें तो गुलमर्ग से शुरू होता है ये फेज़ 1 और 2.5 किलोमीटर मतलब 2.5 किलोमीटर आगे चलकर कोंगडोर तक जाता है। गुलमर्ग में इसकी ऊंचाई होती है जब ये चलता है 2600 मीटर, और जब ये पहुंचता है कोंगडोर वहाँ इसकी ऊंचाई हो जाती है 3068 मीटर। इस यात्रा में कुल समय लगता है 9 मिनट का। एक घंटे में इसकी क्षमता करीब 1500 लोगों को इधर से उधर करने की है, मतलब इधर से उधर बोले तो कि ये एक घंटे में 1500 लोगों को ले जा सकता है या ला सकता है। टाइमिंग की बात करें तो गर्मियों में ये सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक खुलता है और सर्दियों में सुबह 10 से शाम के 4 बजे तक। स्कीइंग करने का जो टाइम है वो है सुबह 8:30 से शाम के 3 बजे, बाकी डिपेंड करेगा मौसम और परिस्थिति पर। गुलमर्ग में स्कीइंग 4,267 मीटर की ऊंचाई से होती है, जिस कारण CNN अमेरिकन एक न्यूज चैनल है, उसने इसको दुनिया के 7 सबसे अच्छे स्कीइंग करने वाले स्थानों में से रखा है। दोस्तों, गुलमर्ग गोंडोला द्वारा जैसे ही आप फेज़ 1 पर पहुंचोगे तो वहां पर काफ़ी सारी एक्टिविटी आपको करने को मिल जाएगी, जैसे स्कीइंग, स्केटिंग, स्नो बाइक, बाइसिकलिंग, वो होती ना स्नो वाली, ATV बाइक, स्लेज, स्नो बोर्डिंग, हेली स्कीइंग, टोबोगनिंग आदि। ये मतलब काफ़ी सारी आप वहाँ चीज़ें कर सकते हैं। इसलिए ये जो रास्ते में जाते हैं ना गुलमर्ग गोंडोला तक, तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारे वो मिलेंगे, क्या कहेंगे उनको, गाइड या पैकेज वाले, कि भैया हमारा पैकेज ले लो, हम आपको ये कराएंगे वो कराएंगे। तो मेरे हिसाब से नीचे से लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे यहाँ फेज़ 1 पर पहुँचोगे तो वहाँ पर आप बुक कर लेना, या वहाँ पर कोई चीज़ अगर आप करना चाहते हैं तो अपने हिसाब से देख कर वहाँ कर लेना। गुलमर्ग में हर वर्ष मार्च महीने में 3 दिन का विंटर फेस्टिवल लगता है, जिसमें म्यूजिक, फोटोग्राफी और फिल्म में उभरते हुए नए कलाकारों को यहाँ अपने काम को दिखाने का मौका मिलता है। गुलमर्ग में सर्दियों का तापमान करीब 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहता है और माइनस में भी बहुत बार पहुँचता है। और इस बार तो भैया श्रीनगर और गुलमर्ग, मतलब श्रीनगर में इतनी बर्फ़ पड़ी है जो पिछले 20-25 साल में नहीं पड़ी, इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है आपके श्रीनगर में। वो इसलिए क्योंकि भैया हम गए थे ना, और आपको तो पता ही है, जैसे आपने हमारे पिछले एपिसोड देखे होंगे कि जहाँ पर हम जाते हैं तो बर्फ़बारी वहाँ हम करा कर ही आते हैं। देखिए, मैं बार बार कह चुका हूँ भाई साहब, मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि अगर गुलमर्ग आएँ तो इस गोंडोला में ज़रूर बैठे, वरना तो भैया आप वहीं पड़े रहो, 9 से 6 वाली ड्यूटी करो दिल्ली। हाँ, दिल्ली या जहाँ भी हो, अगर गोंडोलों में, अगर गुलमर्ग आ रहे हैं तो गोंडोलों में बैठ जाओ। अब देखिए, इससे अच्छा कोई व्यू आ सकता है क्या? ये सी लेवल से 4000 से ज़्यादा मीटर की ऊंचाई तक गोंडोला जाता है, और भाई साहब क्या सीन लग रहा है। इधर से कुछ ही दूरी पर LOC भी है। LOC, अब आपको पता होगा कि LOC पे दूसरी साइड कौन बैठा है, वही अपना नालायक पड़ोसी पाकिस्तान। ये अब यहाँ खड़ा होना मुश्किल हो रहा है।